अभी को मेरा जय भीम। मैं नितेश वानखड़े अकोला से, और मैं बचपन से ही हमारे गांव में जो भजन होते हैं जिसमें हम सिर्फ भीम गीत गाते हैं, वहाँ से मैंने जो पुराने गाने हैं और बाबा साहब के बारे में और जो मूवमेंट के बारे में वहाँ से ही बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तो जो हम भजन में गाना गाते हैं उसमें का एक मैं गाना आपके सामने पेश करता हूँ, एक मराठी में गाना है। तो मी तुमची शक्ति मांगणारा एक फकीर आहे, मी तुमची शक्ति मांगणारा एक फकीर आहे, भीमाच्या नावाचा मी वेळा पीर आहे, भीमाच्या नावाचा मी वेळा पीर आहे। आम्हाला पाषाणात होते त्याने दळलेले, आम्हाला पाषाणात होते त्याने दळलेले, भीमान पाषाण फोडून केले मोकळे, भीमान पाषाण फोडून केले मोकळे, त्या निळ्या त्या निळ्या बाळाची मी निळी नीळ आहे, भीमाच्या नावाचा भीमाच्या नावाचा मी एक वीर आहे, भीमाच्या नावाचा मी एक पीर आहे। रो रो के गुजारी हमने भूखी सुहानी रातें, भूख के गोद में प्यासों की सिसकती रातें, ऐसी हालत में हमारे आंसू पोंछने वाले, मर जाऊं ऐ भीमराज तेरी शोहरत गाते गाते, शोहरत गाते गाते। भीमराज सा दुनिया में इंसान ना होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान ना होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान ना होगा, किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान ना होगा, किसी माँ का लाल ऐसा गुणवान ना होगा, भीमराज सा दुनिया में इंसान ना होगा। नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, दे विल शेयर देयर नॉलेज एंड इनसाइट विथ अस, एंड वी हैव वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन इन दिस हाउस। सो नाउ फॉर पैनल टू, मैं गुरिंदर आज़ाद सर को और भंवर मेघवंशी सर जी को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। और इस पैनल को चेयर करने के लिए हमारे प्रेसिडेंट राहुल, डॉक्टर राहुल सोनप्रीत जी को भी स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। गुरिंदर सर जी का इंट्रोडक्शन, ही इज़ द एडिटर ऑफ राउंड टेबल ऑफ इंडिया, अ पब्लिश्ड पोएट, राइटर एंड डॉक्यूमेंट्री ऑफ फिल्म मेकर। ही वॉज अ की पार्ट ऑफ द टीम विच प्रोड्यूस्ड द डेट ऑफ मेरिट सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दलित स्टूडेंट सुसाइड, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। ही हैज़ बीन इन्वॉल्व विद द बहुजन मूवमेंट एंड बहुजन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम। आवर सेकेंड पैनलिस्ट भंवर मेघवंशी जी सर, ही इज़ एन अवार्ड विनिंग राइटर, जर्नलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट। ही हैड वर्कड फुल टाइम एट द मजदूर किसान संगठन फॉर 13 ईयर्स। ही इज़ द फाउंडर ऑफ दलित आदिवासी एंड नोमैडिक अधिकार अभियान राजस्थान। हिज रिसेंट बुक आई कुड नॉट बी हिंदू, द स्टोरी ऑफ दलित इन द RSS, has caught the attention of people from all over the world. He is the recipient of the Bhav Rukha Charitable Trust Award and Sarojini Naidu Award and Ambedkar International Award. So please give a huge round of applause for our second panelist. Aur second panel ka topic hai relationship of caste atrocities and landlessness among scheduled caste. So now I request to Gurvinder Azad sir on the stage. Thank you.
दो दिन बाद काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और मुझे उनकी वो स्टेटमेंट याद आती है जो बहुत फेमस है। वो कहते हैं कि किसी भी जैसा वो समाज होता है उससे उस समाज को उस समाज की जो दशा होती है उससे बढ़िया नेता मिल नहीं पाते हैं। ए सोसाइटी डिजर्व ए लीडर व्हाट इट इज़। तो मैं जब आज देखता हूँ, जबकि काशीराम जी को गए काफ़ी वक्त हो गया है, 10-15 साल हो गए हैं, और जब फिर मैं देखता हूँ राहुल की तरफ देखता हूँ जिसने यूथ फॉर स्लम वहाँ पे जो अपना एक सोसाइटी बनाई और बहुत सारा काम किया है, और जब मैं देखता हूँ कि फिर आज वो इसका के माध्यम से आपके सबके सामने रूबरू है, तो मुझे ये कहना मुझे लगता है ठीक लग रहा है कि हम लोग जो कोई एक निकलता है ऐसा उसको संभालने के लिए कम से कम ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब हम सबकी, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करता हूँ उसमें, कि हम ना बिकने वाला समाज बने ताकि राहुल जैसे और भी लीडर निकले यहाँ से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा वो है, क्योंकि इससे पहले ज्योतिबा फूले जी का जो पूरा मूवमेंट था सत्यशोधक समाज के बाद में, जब उनका परिनिर्वाण होता है तो उनके जो साथी लोग थे वो कांग्रेस में चले गए थे जो अभी अभी बनी थी, और उसके बाद में 1922 के बाद में शाहू जी महाराज के जो जितने भी लोग उनके साथ में दाएं मतलब राइट हैंड थे उनके, वो कांग्रेस में चले गए, और आरपीआई बनने के बाद हम जानते हैं बाबा साहब जी के जाने के बाद में क्या हुआ वो भी हम सब जानते हैं, और आज का सिनारियो क्या है वो भी हम जानते हैं। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखने के लिए जो भी काम हमको ज़रूरी लगते हैं हमको करने पड़ेंगे, एक तो वो कि जो हम अपने कंफर्ट में रह के कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हम अपने आप को स्ट्रेच करके कितना बढ़िया तरीके से लीडर्स और उभार सकते हैं, अपने समाज से निकाल सकते हैं। मैं भाषण देना बहुत कम कर दिया हूँ एक्चुअली, मैं ज़्यादा पब्लिक ज़्यादा वर्कशॉप के ज़रिए इंटरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाषण लोग भूल जाते हैं, और वो हमारा अभी जहन नहीं रहा है जिसमें कि बहुत सारी बातें बहुत सारी एक्चुअली ज़िंदगी इतनी फास्ट हमने कर ली है कि जिसमें चीज़ें हमारे दिमाग में कितना स्टे करे बड़ा कठिन होता है। मैं 2 मिनट तक ये वाली बात करूँगा फिर टॉपिक पे आता हूँ। 1916-17 में जो एक हमारे असीम बिहारी जी पसमांदा मूवमेंट के लीडर हुए हैं, जिनका जन्म और जिनका परिनिर्वाण बाबा साहब की दोनों तिथियों के आसपास है, और वो कोलकाता में कहीं पे शायद 1917-18 की बात है, और उन्होंने एक भाषण दिया था, तो उसके बारे में कहा जाता है कि 4 घंटे भाषण था और एक इंसान वहाँ से हिला तक नहीं है। उसके बाद में मैं देखता हूँ जो हमारे अपने एक वसंत मून जी हैं जिन्होंने बाबा साहब की बायोग्राफी भी लिखी है, जब बाबा साहब भाषण दे रहे थे मतलब काफ़ी उसके बाद 1916-17 के काफ़ी बाद में, और वो शायद दिल्ली में थे, और तब उन्होंने भाषण दिया था, तो वो भाषण ऐसा था कि कोई हिला नहीं और कोई डिस्ट्रैक्शन थी भी नहीं, और उसके बाद में वसंत मोहन जी फैसला करते हैं कि मैं यहाँ से अपनी नौकरी छोड़ूंगा, शायद डाक विभाग में थे, और उन्होंने हम जानते हैं कि उनका क्या वो रहा है। काशीराम जी के दौर तक ये दौर चला, भाषण का दौर जो था वो चला, आज भी हम उनके भाषण इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि उस वक्त के लीडरान अभी भी हैं जो उनके साथ काम किए हैं। ये जो भागम भाग की ज़िंदगी हमारे सामने आज खड़ी है उसमें हम लोग डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं, हर 5 मिनट में हमको मोबाइल छूने की आदत है, और उसमें हमारे इश्यूज़ जो हैं वो कितने हम दिमाग में लेके जा पाते हैं, किसने कितनी बातें रखी हैं वो कर पाते हैं, ये हमारे सबके लिए सोचने का एक विषय है। अब जब मैं एट्रोसिटी का जो मेन वो है एक्चुअली में क्या है कि हमारे दिमागों में अधिकतर लोगों के दिमागों में ये चीज़ परसीव हो रखी है कि भाई फिज़िकल वायलेंस ही जो है वो एट्रोसिटी होती है। एक्चुअली में एट्रोसिटी के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि आपका अधिकार अगर आपके पास नहीं है वो एट्रोसिटी है, किसी के दूसरे के कारण अगर नहीं है तो वो एट्रोसिटी का ही मामला है, और उसको एड्रेस करने के तरीके हर एक ईरा में अलग अलग रहे हैं। जो
बाबा साहब उस वक्त में काम कर गए, वो आज हम नहीं कर पाएंगे। अगर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो लिखेंगे, रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखेंगे, रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखेंगे, या जितना वो बॉम्बार्डमेंट करते हैं हिंदू धर्म के ऊपर आज वो करेंगे, तो डेफिनेटली सेडिशन का UAPA लग सकता है, राइट। और जो काम काशीराम जी ने कर दिया है, काशीराम जी एक मैं आपको थोड़ी सी घटना बताता हूँ, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये समझ में आएगा ट्रीटमेंट टू एट्रोसिटी कैसा रहा है हमारा। तो एक बार एक हमारी दलित समाज की महिला का रेप का मामला था और उस रेप को लेकर के प्रोटेस्ट था। प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग साइकिलों पे थे, उस टाइम पे यही सब होता था और साइकिलें हमारी बहुत अच्छा माध्यम हुआ करती थी। तो वहाँ का जो MLA था उसने अपनी गाड़ियाँ जो है वो चढ़ा दी साइकिलों के ऊपर और बहुत पीटा बुरी तरह से, और MLA को भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया, थाने में ले जाकर के पीटा गया। और उस वक्त काशीराम जी को कहा गया कि आप आइए यहाँ पे, कुछ इस तरह का माहौल बन गया है, वो आए। और उन्होंने कहा कि भाई मामला क्या है, पुलिस वाले से पूछा तो उससे पहले ही वो जो व्यक्ति थे वो भी है, उन्होंने ही मुझे ये बताया था। तो उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी FIR लॉज नहीं कर रहे, उल्टा पीट रहे हैं। तो काशीराम साहब बहुत नाराज़ हुए इस बात से अपने लोगों से, कि बोला कि FIR लॉज कराने का ठेका क्या आपने ले रखा है? कभी अप्रकाश को भी मौका दो कि जब आप उनको पीटें और वो FIR जाके करवाएं, आपने कोई विशेष रियायत ले रखी है कि आप पीटेंगे उसके बाद FIR करवाएंगे? इनको भी मौका दो, एक ट्रीटमेंट ये है, इट्स कॉल्ड टिट फॉर टैट मे बी, लेकिन आज की डेट में आपके पास वो नहीं है। तो वो एक ईरा का एक स्पेसिफिक वो होता है, हमारे पास स्पेसिस लगातार छिनती गई हैं। जब हम लोग हायर एजुकेशन में, जो मेरा हम लोगों का काम रहा है, अनूप भाई तो अभी नालंदा में है तो अभी यहाँ पे नहीं है वो, लेकिन जो कुल मिलाकर के जो हम लोग काम किए और ख़ासतौर पे सुसाइड जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में हुई हैं, वो एक सुसाइड हमारे लिए एक बात है कि वो फिज़िकली हमारे सामने एक चीज़ खड़ी है, लेकिन उसके इन एंड अराउंड इतना कुछ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। दैट्स एन एट्रोसिटी डेफिनेटली, और इंस्टीट्यूशनल मर्डर है वो। लेकिन उस वक्त में जो असर्ट किया है उससे कम से कम इतना हुआ है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो AIIMS जैसे हैं या जितने भी हैं, ये क्या कि छूट जाते थे कि भैया बच्चे आते हैं हिंदी बेल्ट से और मतलब उनको नहीं एक्सपोजर होता, या फिर वो प्रेम वगैरह के चक्कर में पढ़ के सुसाइड करते हैं। लेकिन ये चलो पहली बार एस्टेब्लिश हो गया कि जब इन डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से जो हमने जो रिपोर्ट्स लिखी हैं। लेकिन उसके बाद में चलो 2 साल बाद अपने 2009 की बात है शायद, मुझे डेट्स याद नहीं है, लेकिन आगे चल के अनिल कुमार मीणा ने सुसाइड किया था शायद 2011 या 12 में, सेम डेट को, उससे पहले किसी और ने, बालमुकुंद भारती ने किया था। उसको कंपनसेशन मिल गया 18 लाख का, बस इतना ही होता है। पहले वालों को कोई कंपनसेशन नहीं मिला, जिनको 18 लाख का कंपनसेशन मिल गया वो ये बयान दे करके छूटे, जब तक पैसा नहीं हुआ हम लोग हिले नहीं हैं AIIMS से, ठीक है। प्रोटेस्ट था उस वक्त JNU में, शायद कोई अगर उस वक्त का होगा तो वो जानता होगा, बस इतना ही होता है एक्चुअली। ये मैं कहने के बाद ये वाली बात कहता हूँ कि जब तक आपका बहुजन समाज नहीं बनता है, आप भूल जाइए कोई भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और मैं इसी वजह से मैं बहुत चिंतित होता हूँ जब भी कोई इस तरह का इनिशिएटिव होता है जैसे AIIMS का है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बेहद मेहनत लगती है इसमें, और तब कहीं जाकर के कोई एक चीज़ खड़ी होती है। और जब हम देखते हैं कि वर्षों की मेहनत के बाद वो चली जाए, तो राहुल ने अपनी स्पीच में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमने जो है पुरानी जो मूवमेंट्स हैं उनके फेलियर्स के कारण है, उसको बहुत ध्यान में रख करके हमको आगे बढ़ना है और उसको बराबर ध्यान में रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात राहुल ने कही है, मुझे लगता है कि अगर उसने कही है तो उसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि यह सबकी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। लेकिन ये बहुजन समाज तो काशीराम साहब ने काफ़ी देर पहले कहा था, 1946-47 की बात है जब संविधान का प्रोसेस में था, उस वक्त में बाबा साहब ने पूना पैक्ट को धिक्कारते हुए एक सम्मेलन किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई हमारा बहुजन समाज अगर बहू बेटी का रिश्ता भी नहीं भी होता है आपस में, बहुजन समाज में अभी भी सब कास्ट इश्यूज़ रहते हैं, अभी भी हम लोग आपस में एक दूसरे के प्रति एरोगेंट हैं, तो ना भी हो तो चलेगा फिलहाल।
लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो मिलने वाले हैं हमको, कम से कम हम उनके लिए तो लामबंद रहें, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। और आज 2023 में भी मेरे को वही वाली बात दोहरानी पड़ रही है कि वो ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम। तो ये बहुजन समाज इन बिटवीन बहुत सारे इसमें एफर्ट्स हैं, काशीराम जी का बेहद सक्रिय इसमें एफर्ट रहा है बहुजन समाज बनाने का। तो ये बहुजन समाज जो है वो क्यों नहीं बना है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, ज़मीन के ऊपर क्या हो रहा है, ज़मीन में बहुत सारी, एक्चुअली क्या है कि पहले ये हुआ करता था कि आप यू नो, जब ये डेमोक्रेसी का सिस्टम नहीं था उस वक्त में क्या होता था कि ये एक घर में से एक बच्चे को वो दे देते थे आंदोलन के लिए, और उसमें बाद में वो आंदोलन के लिए बच्चा तैयार होता था, बाकी अपने अपने काम करते थे, आजीविका के लिए काम करते थे जो भी है, और वो रिस्पॉन्सिबल होता था, घर को रिप्रेजेंट वो करता था। अभी क्या है कि अभी ये है कि जो कोई फुल टाइमर काम कर रहा है वो भी एक्टिविस्ट है, जो कोई स्कूल में पढ़ाने जा रहा है या कोई और काम कर रहा है वो भी चार यूट्यूब पे वीडियो देखता है वो भी एक्टिविस्ट है, और यानी कि हर एक इंसान एक्टिविस्ट है, लेकिन उनकी आपस में कन्वर्सेशन है वो अलाइन नहीं होती है, बल्कि एरोगेंस एक उसमें जो है परिवर्तित हो जाती है, वो कन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स चल पड़े हैं विद इन, ये शेड्यूल कास्ट का एक प्लेटफॉर्म की बात है यहाँ पे, तो मैं शेड्यूल कास्ट का भी जिक्र करूँ तो इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इमेजिनरी होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लोगों की सोच अलाइन करती है उस तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दलितों का, शेड्यूल कास्ट का ये बिलीफ बन गया है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है यही हमारे लिए एक चीज़ बची है, और इसके ज़रिए हम लोग सत्ता की कुंजी हमारे हाथ में आएगी और कल हम प्रधानमंत्री बनाएंगे किसी को भी, और वो फिर आगे चल के प्रबुद्ध भारत का राज ले आएगा, ये उनके दिमाग में परसेप्शन था। एक स्कूल ऑफ थॉट है ना, एक स्कूल ऑफ थॉट है। फिर कोई एजुकेशन की बात करता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था एजुकेशन है, और एजुकेशन में जो शेरनी का दूध है पिएगा दहाड़ेगा, और इस तरह की बातें भी हैं, और वो इस डेमोक्रेसी में वो दहाड़ तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने MBA कर लिया है, मैंने पॉलिटिकल साइंस में PhD कर लिया है, दहाड़ूंगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, IPS बन गया हूँ दहाड़ूंगा तो यू नो साइडलाइन कर दिया जाऊँगा, बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो मतलब मेरे को UAPA लगा के अंदर भी कर सकते हैं, तो दहाड़ तो जेल में दहाड़ूंगा क्या, ये सोचने की कुछ चीज़ें हैं। कुछ लोगों का थॉट है आर्म स्ट्रगल का, ये सब थॉट्स हैं एक्चुअली यू नो, जिससे वो ट्रिगर होते हैं। कुछ को लगता है कि यूनाइटेड नेशन जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, खासतौर पर जो डायस्पोरा में लोग उधर अपना एक नेटवर्किंग है उनका, और उनको लगता है कि UN के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे और हमारी जो प्लाइट है, हमारा जो दुख है, तकलीफ़ है, वो पूरी दुनिया को पता चलेगा और दुनिया के लोग हल्ला करेंगे और प्रधानमंत्री के यहाँ पे या यहाँ के ब्राह्मणिकल सिस्टम को लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, और वो हमको प्रिविलेजेस देनी शुरू कर देंगे। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है, एक NGO का थॉट है, उनको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसकी एक्सरसाइज करके हम जितनी भी लोगों को अवेकन कर सकते हैं और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं छोटे छोटे वो हैं वो उनको दिला सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको सरकार के साथ फाइनली काम करना पड़ता है, उनको जवाबदेही उनकी होती है, फंडिंग का भी मसले होते हैं, उनकी भी बाध्यता बन जाती है। कुछ लोगों के लिए रिलीजन है या कन्वर्जन है, कुछ लोगों को लगता है कि जब तक सब लोग इस पर्टिकुलर धर्म में नहीं कन्वर्ट होंगे कुछ होने वाला नहीं है। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स का और फेडरलिज्म का एक स्कूल ऑफ थॉट है, जिनको लगता है कि जैसे वो पेरियार साहब का था स्कूल ऑफ थॉट, कि जिसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया, बोले कि हम अपने चार राज्यों का जो द्राविड लैंड है हम उसकी कंट्री बनाएंगे, और उन्होंने कई सारी बातें कही भी थी उसके रिगार्डिंग, जिसका जिक्र यहाँ पे करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है। और अभी भी जो वहाँ पे तमिलनाडु की जो बहुजन पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत फोकस करती है, डायस्पोरा है ना, मतलब उनका ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बामसेफ भी अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, और बामसेफ के आगे जो फ्रैक्शंस हैं उनके भी अपने अपने स्कूल ऑफ थॉट हो गए हैं। ये स्कूल ऑफ थॉट कहना पड़ रहा है क्योंकि अब उनको बहुत आगे बढ़ चुके हैं इसको सोच के साथ, है नहीं बेसिकली, बहुत बार तो एरोगेंस का भी मसला होता है, बहुत बनती नहीं है आपस में, कुछ ऐसा भी होता है।
ये सारे के जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं ये विद इन दलित्स हैं, जो कभी भी जिन्होंने अपने आप को एक बॉडी का अंग नहीं माना है, अपने आप को पूरा बॉडी माना है। इस वजह से होता ये है कि जैसे एक बॉडी होती है आपकी और आप आपका मतलब बॉडी है और सिर दुख रहा और पैर बोले कि मेरे को तेरे से क्या, वो अपना चलते चल दे, है ना, बाजू दर्द हो रहा है तो दाया हाथ बोले कि मेरे को तेरे से क्या है। तो वो क्या है कि कभी भी कन्वर्सेशन, कभी भी कम्युनिकेशन, डायलॉग उस लेवल पे कभी हुआ नहीं हमारा आपस में। एक कम्युनियन बिल्ड होनी चाहिए थी, वो हो नहीं पाई है। ये एक बड़ी वजह है कि हम अभी भी बहुत जजमेंटल हैं एक दूसरे को लेकर के। एक कोई भी स्कूल ऑफ थॉट आता है वो सुनने से पहले ही हम रिजेक्ट कर देते हैं। लेट मी टेल यू ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई हैव सेड आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ऐसा नहीं है कि आप इसको जस्ट नेग्लेक्ट कर दो, और उसको सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। उसको बिना समझे आप सामने वाले का प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे कि वो इस थॉट तक पहुंचा कैसे है। बहुत सारी डाइवर्सिटी है जो आपको प्रोपेल करती है कि आप ऐसा सोचो, और जब इंसान सोचना चालू करता है तो दूसरे उसका बोलता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से जो मैंने काशीराम जी के जीवन का अध्ययन करके, उनके काम का अध्ययन करके जो मेरे को समझ में आया है, वो मेरे को यही लगता है कि ये स्कूल ऑफ थॉट्स बहुत सारे हैं। और उन्होंने इसका जिक्र बहुत पहले कर दिया था जब 1985 में वो लंदन में गए थे, और उन्होंने वहाँ पे कहा था कि जब मैं बात करता हूँ किसी से भी जा करके तो उनके बहुत सारे पहले से ही इतने परसेप्शंस हैं, इतनी सारी रिजर्वेशंस हैं दिमाग में कि काम करना बड़ा कठिन हो रहा है, और उनका उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको करने के लिए वो बहुत हम्बल हो गए थे। इतने हम्बल हो गए थे कि मतलब उनका जो जीवन था वो पूरे का पूरा एक ऐसे लेवल पे उन्होंने ला करके वो किया जहाँ पे आपको लगता है कि इंसान इससे नीचे जा नहीं सकता, झुक नहीं सकता लोगों को उठाने के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे अब आपस में ऐसा नहीं है। पैसे का जो मूवमेंट पैसे से तो चलती है, रिसोर्सेज तो चाहिए, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रिकल डाउन होते ऐसो मतलब वो जाते ही नहीं है कहीं पे। इन सब स्कूल ऑफ थॉट में लगता है कि ये जो पैसा है वो मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट से आता है, या जो जिस तरह से मूवमेंट को मैं विजुअलाइज करता हूँ उस विजुअलाइजेशन से कोई बंदा मूवमेंट को चला रहा है मैं उसको पैसा दूंगा। तो वो इस तरह से पैसा भी जो हमारा जो है वो कभी कभी एक ही मद में आता है, बाकी मदें जो हैं वो रह जाती हैं, छूट जाती हैं। एट्रोसिटीज़ में इस चीज़ को लेकर के जो एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें कि आर्म स्ट्रगल की मैंने बात की है, और मैंने एनजीओ सेक्टर में बात की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करते हुए, इन सब में जो केसेस का मामला है वो बहुत महंगा हो गया है। अभी आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, एक मिनट की हियरिंग के ही 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपये लगते हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। तो ये इशारे किस ओर हो रहे हैं एक्चुअली, ये सारे के सारे जितनी मैं बात कर रहा हूँ ये चैलेंजेस हैं, ये सब इशारे इस बात को लेकर के हैं कि हमारे, पहली बात तो ये कि हम अपने पूर्वजों के किए कामों को थोड़ा सा संज्ञान में लें, उसको समझ लें। काशीराम जी ने 82-83 में ना 91 शायद उस टाइम पे कही थी ये वाली बात कि यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का एकदम कबाड़ा हो चुका है, और यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर नहीं हुए तो बहुत ही बुरी हालत होगी हमारी। और आज हम उसी को वो कर रहे हैं, 545 लोग मिलकर के 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 25 लाख से भी अधिक जनसंख्या के ऊपर हमारा एक एमपी आता है, जबकि ये जो चीज़ें हैं दूसरे मुल्कों में बहुत कम है। चाइना इतना बड़ा है, वहाँ पे भी 14-15 लाख के पीछे एक एमपी है। और ये प्रेशर्स बहुत सारे होते हैं, आपकी उसके मीट आउट नहीं कर सकते, वो चाहे एट्रोसिटीज़ का मामला हो चाहे दूसरे मामलात हों। आप यहाँ पे ज़्यादातर यूथ है और उनका एसोसिएशन जो है एकेडमिक से है, अपने अपने इंस्टीट्यूशन से है, तो वहाँ पे भी जो पोस्ट मैट्रिक का स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं या जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं जो रियायतें सरकार देती हैं, आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली लड़ना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी में जब हम काम करते थे तो मैं ये पहले भी जिक्र एक दो मरतबा किया है कि वहाँ पे काम करते हुए नानी याद आ गई थी कि कैसे लड़ना है, और तब कहीं जाके 800-850 करोड़ रुपए लेके आए थे, ठीक है।
इतनी बड़ी रकम कोई लेके नहीं आया अभी तक, और उसके लिए लगभग फुल टाइमर बनना पड़ा था, और तब 800 या 850 करोड़ रुपए आए हैं, और तब हमारी कहीं डबल एनरोलमेंट हो पाई है वहाँ पे। तो उसके लिए एक डेडिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, और इसी तरह से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिनकी हमको बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जो एट्रोसिटीज़ हैं, कभी कभी हमको लगता है हमको सीधे एड्रेस कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है अनफॉर्चुनेटली। उसमें होता ये है कि बहुत सारी जो चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, बाबा साहब ने कहीं एक जगह इसका जिक्र किया है हल्के से, लेकिन तब डेमोक्रेसी का बहुत ही इनिशियल फेज था, और काशीराम जी ने बहुत इसको अच्छे से किया। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो इलेक्टोरल का है हमारे, उसमें 51 अगर किसी की सीटें आई हैं तो वो जीत जाएगा, 49 को कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें जो हमारे यहाँ पे सिस्टम लागू है वही है। यूरोप में या मोस्ट ऑफ द अमेरिका में जो सिस्टम्स हैं वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वहाँ पे हुए हैं, और वहाँ पे अगर 30-40 बेल्जियम में शायद या जर्मनी में एक 40-50 फैमिलीज़ का एक समुदाय है, उनका भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ओबीसी में ही ऐसी मैं आपको जातियाँ बता सकता हूँ जिन्होंने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में आज तक पार्टिसिपेशन नहीं किया है, उनका ना कोई आधार कार्ड है ना उनका कोई वोटिंग आईडी है, यहाँ पे ऐसा बुरी हालत में है, और वो बिल्कुल एब्सोल्युटली उनको आप समझ नहीं पाएंगे ये ट्राइबल है या कौन है। ओके, थोड़ा डिस्टेंस पे। ओके, तो इस तरह से ये पूरे भारत की डाइवर्सिटी को विजुलाइज करते हुए एट्रोसिटीज़ के मामले बदलेंगे। हो सकता है यूपी में किसी का कुल्हाड़ी से कत्ल हो जाए, जो कि हुआ भी है, पंजाब में करेंगे तो मारेंगे, मतलब दलित मारेगा, जो भी करेगा उसको पीट देगा वो, मतलब वो बहुत एविडेंट हो चुका है, वो सुबह कोई एट्रोसिटी होती है शाम को हिसाब बराबर करना है, वैसे वाला मामला है। तो ये वैरी भी करता है, स्टेट टू स्टेट बहुत वैरी करता है, और ज़्यादातर एट्रोसिटीज़ के जो मामले हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप अपने बुद्ध विहारों को एक डायलॉग की स्पेस में बदल लेंगे, और जैसे ही काशीराम जी को लेकर के या बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पेरियार साहब को लेके, पेरियार साहब बहुत मिस हो गए हैं हमसे इस पूरे उसमें। पेरियार साहब का जो दर्शन था, उन्होंने अपना बिल्कुल ही बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बोल दिया था कि जब ये पूरा बना था, बाबा साहब ने इसका एक रेफरेंस के साथ, उन्होंने रेफरेंस मतलब माइनोरिटली एक उन्होंने दे दिया बीच में, ये अगर जिसका राहुल ने भी जिक्र किया कि नेशनलिज्म या नेशन आपके लिए जो भी है, लेकिन मेरे लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ मेरे लोगों की बात होगी मैं अपने लोगों के साथ हूँ, उसके साथ मैं नहीं हूँ। लोगों को लगता है इस तरह का जो नेशनलिज्म है, और नेशनलिज्म के नाम पे जो एट्रोसिटीज़ भी हैं, वो लगता है कि हमको उनका नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म, एनी काइंड ऑफ नेशनलिज्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, बेसिकली डाइवर्सिटी बहुत स्ट्रांग होती है, उससे इतना ज़रूरत नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे मतलब एक बात तो मैं यहाँ पे आप सबको ये भी कहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट ना रहें, और बहुत ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वो करें, इसकी इट्स नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि आपका पूरा जानकारियाँ भी जाती हैं, और एक एडिक्शन लगता है। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें 15 मिनट से ज़्यादा कोई अच्छा श्रोता बन नहीं पा रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा का उसके पास नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। तो मेरे को इस बात की हमेशा, मैं अपनी वर्कशॉप्स में जो मैं कैडर छोटे मोटे मैं लेता हूँ जहाँ पे भी जाके, और 3 दिन का 4 दिन का जो भी रहता है उसमें मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उनको एक लिस्ट तैयार करवाऊं कि जिसमें उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं, जब वो काम ख़त्म हो जाएं आपके तब आप सोचें कि आपके पास समय बचा है कि नहीं। तो इतने बड़े डाइवर्स कंट्री में आप यहाँ पे जो महाराष्ट्र के लोग हो, महाराष्ट्र के बारे में सोचिए कि यहाँ पे आपका आपकी इकॉनमी कैसे वो हो रही है, आपका पैसा कहाँ कैसे जनरेट हो रहा है और जा कहाँ रहा है वो पैसा। मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 35 सालों में आपका पैसा आपको खुद नहीं पता कहाँ वो हो रहा है। तो ये जो
रिजर्वेशन की बात है प्राइवेट सेक्टर में, है ना, तो इसका ताल्लुक भी वहाँ से जुड़ा हुआ है। मैं अपनी स्पीच में कई इशारे ही कर रहा हूँ आपको बेसिकली, क्योंकि बहुत लंबी बात मैं रखने के लिए समय भी नहीं है और शायद ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है, लेकिन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका पैसा, क्योंकि राहुल ने ये वाली बात भी बोली है कि पैसा जनरेट हम ही कर रहे हैं, जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा है, वो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो माचिस भी खरीदते हैं टैक्स देते हैं, वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो जो आप केंद्र को देते हो वो जा कहाँ रहा है पैसा, और वो पैसा जो है बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर बर्बादी की और धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जा कर के उसमें थोड़ी सी छानबीन कर सकते हैं। और ये सब बातें कहते हुए लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, एक और भी स्कूल ऑफ थॉट है जिसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है और वो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। बहुत सारे दलित, पढ़े लिखे दलित खासतौर पे डायस्पोरा में भी जो कनाडा में हैं या कहीं और हैं, उन्होंने जो ये यहाँ पे वासुदेव कुटुंब का मामला बना है या फिर यू नो वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर समथिंग है ना, वो जगह जगह पे जो आपको दिखाई देता है जिसका जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में भी किया है और लाल किले में भी किया, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसका जो वो लोग हैं जो स्कूल ऑफ थॉट जो दलित का एक है वो जो उसके बारे में जब बात करते हैं तो वो उसके बहुत एविडेंसेस के साथ बात करते हैं और किस तरह से माफिया काम करता है। लेकिन लेट अस गो बैक टू आवर बेसिक्स, हमारे जो बेसिक्स हैं वो यही है कि बाबा साहब और काशीराम जी का जो दर्शन है उसमें से कौन कौन से टेक अवे है जो हमको लेने हैं। आई थिंक आगे चल के आयस्का का बहुत लंबा सफ़र है और ये हम रहें ना रहें ये जिंदा रहे और ये और फैले, ये SCF की तरह बाद में RPI के दर्शन में यू नो आप इतने मैग्नेटिक हो जाएं कि बाकी और समुदाय के लोग भी आपसे मुतासिर होकर आने लगे। इस तरह की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं राहुल भाई को और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और मुझे यहां पे बुलाया आपने, आप सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और कोई बात मेरी ऐसी लगी हो आपको जो आपको लगता है कि मुझे नहीं कहनी चाहिए थी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। आप सबका धन्यवाद और जय भीम आप सबको। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल थॉट्स। नाउ आई वेलकम टू भंवर मेघवंशी सर, प्लीज कम हियर एंड शेयर योर इंसाइटफुल थॉट विद अस। जो विषय है मुझे लगता है कि इसमें साफ बात है कि अनुसूचित जातियों पर, अनुसूचित जाति की जितनी उपजातियों पे अत्याचार के हम मामले देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इनका सीधा संबंध कहीं न कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। भू अधिकारों, भू स्वामित्व से जुड़े हुए मामले, ज़्यादातर भूमि के विवाद और भूमि की वजह से जो निर्भरता है वो दलित अत्याचारों का एक बड़ा कारण बनती है, क्योंकि आज भी जमीन आजीविका का बड़ा साधन इस देश में है और केवल आजीविका से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, जमीन प्रतिष्ठा और व्यक्ति की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे यहाँ राजस्थान में, मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ पर लोग गाड़ियों के पीछे लिखाते हैं ठिकाना और उसके आगे गांव का नाम लिखाते हैं, तो बहुत सालों तक मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये कुछ ही गाड़ियों के पीछे ठिकाना क्यों लिखते हैं और हमारी लोगों के पीछे क्यों नहीं लिखते हैं। तो बाद में समझ में आया कि ज़्यादातर वो लोग जो जमींदार लोग हैं वो ये दर्शाते हैं कि हमारा ठोर ठिकाना है और तुम जो भूमिहीन लोग हो तुम्हारा कोई ठोर है ना कोई ठिकाना है तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो ये समझने की बात है कि जो जमीन कहीं हमारी है उसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और जमीन पर जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो गांधी जी को जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मिस्टर गांधी हमारी कोई मातृभूमि नहीं है, और वो क्यों, क्योंकि जब कोई भूमि नहीं है इस देश में हमारे लिए तो फिर क्या तो पुण्य भूमि होगी, क्या पितृभूमि होगी और क्या मातृभूमि होगी और कौन सी धर्म भूमि होगी, हमारी एक इंच जमीन नहीं है। मैं जिस राजस्थान से आता हूँ वहाँ 32 नोमेडिक कम्युनिटियाँ हैं और उसमें से 28 कम्युनिटी जो है वो अनुसूचित जाति में आती है। ज़्यादातर उन नोमेडिक दलित कम्युनिटियों के पास रहने के लिए घर नहीं है क्योंकि वो नोमेड थे, इधर से उधर जाते थे,
तो घर उन्होंने बसाए नहीं, तो आज भी वो तंबुओं में रहते हैं। व्यापार या कृषि करने के लिए कोई ज़मीन नहीं है, और यहाँ तक कि जब वो मर जाते हैं तो मर जाने के बाद वो उनके दाह संस्कार या दफनाने के लिए भी ज़मीन नहीं है। आपको सैकड़ों गांव ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कुछ कम्युनिटियाँ, कालबेलिया जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, ऐसी कम्युनिटियों के लोग जिंदा और मुर्दा एक साथ रहते हैं। वो जो तंबू, वो जो पूरा डेरा लगा के रखते हैं, उसी के नीचे उनका मुर्दा भी गड़ा रहता है और उसी के ऊपर वो लोग रहते हैं। अगर वो सार्वजनिक ज़मीनों पे अपने मुर्दों को गाड़ दें तो लोग जैसी भी ला करके और लाशों को निकालते हैं, और जब भी उनके यहाँ कोई भी मर जाता है तो चुपचाप दाह संस्कार करते हैं ताकि लोगों को मालूम नहीं पड़े कि उनके गाँव की ज़मीन में कोई दलित गाड़ा गया है। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर लोगों की हो, वो कैसे किसी माता की जय बोले और कैसे वंदे मातरम कहे और कैसे नमस्ते सदा वत्सले क्या गाए और क्यों गाए, मतलब जब इस ज़मीन में कोई जगह नहीं है आपके लिए। तो बाबा साहब अंबेडकर जो उस समय कह रहे थे, तब से लगा करके आज तक ज़मीन का संघर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष है। दुष्यंत कुमार ने एक पंक्ति कही, बहुत चीज़ें कही, लेकिन मुझे उनकी ये चीज़ अच्छी लगती है। उन्होंने शायद अमी को टारगेट करके कहा होगा कि तुम्हारे पांवों के नीचे कोई ज़मीन नहीं, अफसोस ये कि तुमको यकीन नहीं। हमारी ज़मीन ही नहीं है, लोगों के तो पांव के तले की ज़मीन खिसकती है, हमारे तो पांव के तले ज़मीन ही नहीं है, तो हमें खिसके ही क्या, हम तो लटके हुए हैं किसी और जगह पर। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इस बात पर हम बात नहीं कर रहे हैं कि ज़मीन क्यों नहीं है। ये जो 60% लोग इस देश में भूमिहीन हैं, वो कौन लोग हैं? और आप अगर उसमें और डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 60% भूमिहीनों का 95% जो है वो अनुसूचित जातियों से आता है। हमारे लोगों के पास कोई ज़मीन नहीं है। ज़मीनें, जैसे मैं राजस्थान के उदाहरण से आपको बताऊं, तो राजस्थान में, राजस्थान बनने से पहले 22 बड़ी और 2 छोटी रियासतें थीं, और जो राजपूत सामंत थे उनके पास सारी ज़मीन हुआ करती थी, और वो फिर जिन लोगों को ज़मीन देते थे उनको पट्टेदार, खड़मदार, बापीदार ऐसे कुछ कुछ नाम रखते थे, और उनको वो ज़मीन देते थे। वहाँ जो अनुसूचित जाति के लोग थे, उस समय के जो अछूत लोग थे, हमारे जो पुरखे थे, वो केवल फूड फॉर वर्क करते थे उन ज़मीनों पर, यानी कि वो बंधुआ मजदूर थे और वो बेगारी करते थे, और इस बेगारी की प्रथा को वहाँ हाड़ी प्रथा कहते थे और आधे राजस्थान में उसको सागड़ी प्रथा कहते थे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 7-7 पीढ़ियों से लोग एक ही परिवारों के यहाँ पर ये काम करते थे, उनके गोबर उठाते थे, उनके खेतों में काम करते थे, ज़मीन पे कुछ उनका लेना देना नहीं था। तो जब ज़मीन आज़ादी मिली और ज़मीनों के बंटने का सवाल आया, तो हमारे लोगों में ये समझ ही नहीं थी कि वो ज़मीन लेते, या वो साहस ही नहीं था, वो रिस्क उठाना जो था वो नहीं हुआ उनको। तो तब किन लोगों ने उठाया? मैं राजस्थान के उदाहरण से देखता हूँ, तो वहाँ सर्वाधिक ज़मीन आज जो लैंड होल्डिंग है वो जाट कम्युनिटी के पास है। और वो जाट कम्युनिटी के पास कैसे आई? आपके यहाँ जैसे मराठा है वैसे हमारे यहाँ जाट हैं, वो कैसे आई उनके पास? तो उसका एक उदाहरण है कि उनके समुदाय में एक बलदेव राम मिर्धा नाम का एक व्यक्ति जोधपुर की राजा के वहाँ पर सेना में था, और उसे समझ में आया, पढ़ा लिखा इंसान था, उसे समझ में आया कि आज़ादी आएगी, आज़ादी आएगी तो ज़मीनें ठाकुरों से, जमींदारों से निकल करके और आम लोगों के बीच बटेगी। तो वो दिन भर नौकरी करता और रात को अपना घोड़ा लेकर के निकलता और जगह जगह पर जाकर के जाट बस्तियों में मीटिंग करता, और मीटिंग करके लोगों को समझाता है कि जितनी ज़मीन पर कब्जा कर सकते हो उतनी ज़मीन पर कब्जा कर लेना, नज़र रखो कि कितनी ज़मीन तक तुम कब्जा कर सकते हो, क्योंकि ज़मीनें इनसे मुक्त होकर के तुम्हारे पास आने वाली है। और फिर जाटों ने उनके लिए गीत रचे, आज भी राजस्थान के लोकगीतों में ये गाया जाता है, बलदेव राजकुमार भौमिया जाटा की, मतलब बलदेव राम जो है वो राजकुमार है जो तुम्हारे लिए घोड़े पर बैठ करके आता है और तुमको समझाता है कि ये जो भूमि है भौम, ये भूमि जाटों की है। ऐसा कोई विजनरी आदमी हमारे बीच होता तो हो सकता है कि हमारे पास भी ज़मीनें होती, लेकिन उस दरमियान तो वो गलती हुई, ज़मीनें नहीं आई। 1955 में राजस्थान टीनेंसी एक्ट बना और उसकी वजह से कुछ ज़मीनें आई, लेकिन तब भी लोगों में ये था कि हम ज़मीन करेंगे तो फिर कौन उसका कर देगा, कौन टैक्स देगा, तो हम नहीं कर सकते हैं। उससे और आगे बात बढ़ी,
इमरजेंसी के दरमियान लैंड सीलिंग एक्ट आया, जब राजाओं की प्रिवी पर्स बंद किया गया और जमीन की एक हदबंदी की गई, और उस दरमियान बड़े मात्रा में दलितों के नाम पर ज़मीनें आई, लेकिन ज़मीनें केवल कागजों में आई, क्योंकि जमीन पर कब्जा हमारे लोगों का होता उससे पहले ही सामंत जो लोग थे वो न्यायालयों में पहुंच गए और स्टे ले आए, और वो न्यायालय में नहीं भी पहुंचते तो हमारे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के जमीन के लिए झगड़ सकते थे, क्योंकि जमीन पर अधिकार का मतलब होता है आपको मरने और मारने की तैयारी हो तब जमीन मिलती है। जमीन ऐसे कोई याचना करने से और ज्ञापन देने से और प्रार्थना करने से नहीं मिलती है, तो वो क्षमता हमारे लोगों में बनी ही नहीं। और उसके बाद का दौर जब आया तो वो और भी भयानक आया। पूरे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद के समय में जितनी ज़मीनें थी भी तो वो कॉलोनाइजर्स ले गए या कोई और तरीक़ों से ले गए, थोड़ा पैसा दे करके ले गए, जबकि तमाम तरह के कानून बने हुए हैं। वहाँ 42B एक राजस्थान टीनेंसी एक्ट का बना हुआ है कि दलित की ज़मीन केवल दलित लेगा, आदिवासी की ज़मीन केवल आदिवासी लेगा, लेकिन कई तरीके निकाले गए और उन तरीकों से ज़मीनें हड़पने की जो शुरुआत हुई वो आज तक जारी है। हालात ये हैं कि कागज़ों में बहुत दलितों के नाम पे ज़मीन है, आप हकीकत में अगर उसकी सोशल ऑडिट करें या फिजिकल वेरिफिकेशन करें तो आप पाएंगे कि ज़मीनें जो हैं वो हमारे लोगों के नाम पर नहीं है। तो जब ज़मीन नहीं होती है तो दिक्कत ये होती है कि आपको लोगों के खेतों में काम करना पड़ता है, आपको उन पर निर्भर रहना पड़ता है, आपको गाय बैल भैंस भी पालनी है तो उनका चारा भी उनसे लाना पड़ता है, और ये सारी निर्भरता तमाम तरह के अन्याय, अत्याचार और शोषण का जन्मस्थली बन जाती है, क्योंकि हमारी महिलाएं जब उनके खेतों में काम करती है तो उनके तमाम यौन दुर्व्यवहार से लगा करके जो कुछ हो सकता है वो शोषण होता है। जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको मजदूरी पूरी नहीं मिलती है, उनके साथ मारपीट होती है, और जहाँ भी ज़मीन मिली है और लोग अपना अधिकार लेना चाहते हैं वहाँ इतने बड़े लेवल पे नरसंहार हुए हैं। कुछ ही साल पहले डांगावास एक गांव था, वहाँ पर 5 दलितों को कुचल करके मार डाला गया एक बड़ी भीड़ ने, क्योंकि वो अपने ही नाम की कोर्ट द्वारा जीती हुई ज़मीन पर अपना अधिकार चाहते थे और वो वहाँ जा करके कब्ज़ा कर रहे थे, और इस बात को लेकर के पूरा गाँव इकट्ठा हुआ और 400 लोगों ने हमला करके और 5 लोगों को मार डाला, 11 लोग घायल हुए, CBI की जांच हुई, 40 लोग उसमें जेल में गए। लेकिन आज भी हालत ये है कि जब भी आप ज़मीन पे अधिकार की बात करो तो उसका मतलब होता है झगड़ा या फिर हाथ पांव तो टूटना या फिर मौत होना। हमने राजस्थान के एट्रोसिटी के आंकड़ों को एनालाइज किया और पिछले 10 साल के आंकड़े हमें ये कहते हैं कि 30% एट्रोसिटी तो सीधे सीधे तौर पर ज़मीन के मामलों को लेकर होती है, और 20% और जो आगे की एट्रोसिटी है वो ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए कि 50% एट्रोसिटी ज़मीन के अधिकार और ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो अगर अत्याचार के उन्मूलन की किसी भी परियोजना को सफल होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ज़मीन की चीज़ों पर ध्यान दें कि इनको कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ज़मीन को लेकर के और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेगी, क्योंकि ज़मीन जो जा रही है, लैंड होल्डिंग जो सारी गई है, वो जिन लोगों को हम रात दिन गाली दे रहे हैं अगड़ों को, उनसे निकल कर के कथित पिछड़ों के पास गई है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये पिछड़े कम हैं, अत्याचार में सर्वाधिक अगड़े हैं और लठेत हैं, लठ लेकर के और सारी चीज़ें करते रहते हैं और सर्वाधिक एट्रोसिटी करते हैं। मैं जिस ज़िले में रहता हूँ उस ज़िले के 3 साल के एट्रोसिटी के आंकड़ों को हमने जब विश्लेषण किया तो ये पाया हमने कि 90% एट्रोसिटी कमिटेड बाई OBCs, और OBC की भी उन जातियों द्वारा जो लैंड होल्डिंग करती है, जो लठेत जातियाँ हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम दिल्ली में बैठ करके या कहीं डायस पे बैठ करके दलित पिछड़ा एकता का नारा तो लगाएं, बहुजन समाज तो बनाएं, लेकिन जो रोज़ रोज़ पीट रहा है, रोज़ रोज़ मार रहा है, रोज़ रोज़ आपकी ज़मीन छीन रहा है, आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है, उसको ये माने कि नहीं नहीं इसके पीछे तो ब्राह्मण का दिमाग है, ये तो बेचारा है, ये नहीं चलेगा, ये तो दोगलापन है। इसके बारे में थोड़ा सा जरा सोचिए कि हम इस ढंग से ना करें और जो हकीकत है उस हकीकत को हम हकीकत की तरह ही देखें। तो मित्रों, खैर कहने के लिए बहुत बातें हैं, दोबारा फिर आकर के बात करेंगे, लेकिन मैं अनुरोध जरूर करूँगा कि यहाँ से ज़मीन के अधिकारों की
एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमको सरकारों पर ये दबाव बनाना चाहिए कि वो ज़मीन खरीद करके हमारे लोगों को निःशुल्क आवंटन करें, क्योंकि हर कहीं आवंटित करेंगे उसका काम नहीं चलेगा। क्योंकि राजस्थान में ऐसी बहुत ज़मीनें आवंटित कर दी उन्होंने, नदी नाले जोहड़ तालाब की कर दी, और फिर दिक्कत ये हुई कि वो एक हाईकोर्ट का डिसीज़न आ गया, और डिसीज़न ये आ गया कि 1947 में जैसे ज़मीनें थी उस हाल में वापस ज़मीनों को खाली किया जाए। और आज अगर उसको खाली करो तो लगभग आधे आधे शहर उजड़ जाते हैं और हमारे लगभग दलितों की तमाम बस्तियां उजड़ जाती है। जगमाल सिंह वर्सेज पंजाब का जो मामला है, वो जो चरागाह भूमियों वाला मामला है, अब तमाम हमारे जो लोग हैं वो मकान बना करके या छोटी मोटी जो कब्जा करके रह रहे हैं वो चरागाह भूमियों पर रह रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हैं उसमें मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर एक टास्क फोर्स अनुसूचित जाति स्वतंत्र संघ को बनाना चाहिए, और ज़मीन पर ख़ास तौर पर हमें ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये माना कि उन्होंने मध्यम वर्ग के लिए, पढ़े लिखे वर्ग के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो खेतिहर मजदूर थे, काश्तकार थे, उन पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। और कितना दे सकते थे, वो जितना दे सकते थे उनका जीवन था उतना ही दिया, लेकिन बाबा साहब के अनुयायियों को उस काम को पूरा करने का एक फैसला करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तो इस पैनल के जो हमारे दो इम्पॉर्टेंट जो पैनलिस्ट हैं, जिन्हें मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ उनके काम के लिए, उनके विचारों के लिए, गुरिंदर भाई जो हमारे पंजाब से है और दिल्ली और बाकी जगह भी अपना इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन खास करके राउंड टेबल इंडिया के थ्रू करते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरिंदर भाई जो आपने बात रखी। और भंवर जी को मैं अपने एमए के दिन से जानता हूँ, जब पहली बार मैंने इनका नाम सुना था मेरे एक सीनियर से, जो जिन्होंने बताया कि हमारे समाज के एक व्यक्ति है जो ज़मीनी तौर पर राजस्थान में हमारे समाज के लिए काम करते हैं। तब भी हमने डिसाइड किया था कि भंवर जी को टाटा इंस्टीट्यूट में बुलाया जाए, और तभी हमने भंवर जी को टाटा इंस्टीट्यूट में बुलाया था, तब से मैं भंवर जी को जानता हूँ। तो भंवर जी, आपके इनसाइट के लिए और ये बहुत सारे सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस, क्योंकि दो तीन जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बातें जो भंवर जी और गुरिंदर भाई से हुई है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो गुरिंदर भाई ने जो कहा कि दो तीन अप्रोच होते हैं खास करके शेड्यूल कास्ट समाज के पास में, दो तीन ऐसे अप्रोच है जिससे हम शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो एट्रोसिटीज़ हो रही है उसको रोकने का या फिर उसमें न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो एक जिसको हम संवैधानिक अप्रोच बोलते हैं, राइट बेस अप्रोच, जो गुरिंदर भाई ने बताया। दूसरा कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो यूएन में और बाकी सिविल सोसाइटी संगठनों के द्वारा अपना मूवमेंट चला के जस्टिस पाना चाहते हैं, और साथ ही साथ जो एक मूवमेंट वाला अप्रोच है। कई हद तक मुझे गुरिंदर भाई जब बार बार कांशीराम साहब का नाम ले रहे थे, तो मुझे कई हद तक कांशीराम साहब का वो भाषण याद आ गया जहाँ पे कांशीराम साहब इस बात को बता रहे हैं कि फाइटिंग फॉर एट्रोसिटीज इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। एट्रोसिटी में न्याय दिलाने का जो संघर्ष है वो फेल्ड है, और पहले ही फेल हो जाता है, क्योंकि इस देश की जो न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस प्रक्रिया है, और इस देश का सामंत है, और इस देश का मीडिया है, वो पहले इस बात को सुनिश्चित कर लेता है कि आपको एट्रोसिटी केस में जस्टिस नहीं मिलेगा। ज्यादातर जो नॉन एट्रोसिटी केसेस, जैसे महाराष्ट्र में खैरलांजी केस है, खैरलांजी केस में गुनहगारों को सजा तो मिली है, लेकिन कोर्ट ने उस चीज को कास्ट एट्रोसिटी नहीं माना। इवन बहुत सारी केसेस में लोकल जुडिशरी के अगर आप जजमेंट पढ़ते हो, तो भावरी देवी का यदि आप केस पढ़ते हो जो राजस्थान का ही था, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो ये कहते हैं कि भावरी देवी तो नीचे जात से आती है, और जो गुनाह करने वाले लोग हैं, जो बलात्कार करने वाले लोग हैं, ऊपर ऊपर के जाति से आते हैं, और माना तो ये जाता है कि ऊपर जाति के लोग नीचे जाति के लोग छूते नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक अपर कास्ट आदमी ने एक लोअर कास्ट वीमेन का, एक लेडी का रेप किया है। ये जस्टिस कह रहा है, कोर्ट में बैठे हुए ये न्यायाधीश बोल रहा है।
और उस केस में उन आरोपियों को बरी कर देता है। तो पुलिस पहली बात आपका केस नहीं लेना चाहती है। गांव के सामंत ये कहते कि अगर आपने गांव का केस बाहर लेके गए तो ये गांव की बदनामी है, आप गांव को बदनाम कर रहे हो, पूरे पूरे शेड्यूल कास्ट के समाज को बायकॉट कर देंगे, आपको पानी नहीं लेने देंगे, आपको अनाज नहीं देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। तो कांशीराम साहब कहीं हद तक ये कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है एट्रोसिटी की, ये अपने आप में पहले स्टेप में फेल हो जाती है, इसमें न्याय बहुत हद तक नहीं मिलता है। लेकिन क्या इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कांशीराम साहब ने यह नहीं कहा कि इस लड़ाई को लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप में डीएसपोर नाम का संगठन बनाया था जो दलित शोषित समाज के संघर्ष कैसे किया जाए उनके हकों के लिए, इसके बारे में वो काम करता था। उसके बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। तो कांशीराम साहब जो थे वो ये कहते हैं कि आप ये किसको जस्टिस मांग रहे हो, जो वहां पे इनजस्टिस करने के लिए बैठे हो आपको जस्टिस नहीं देगा, इसलिए वो बहुजन समाज बनाने की बात करते हैं। लेकिन हमारा मानना ये भी है कि बहुजन समाज बनने के बाद भी जो मूलभूत जो बेसिक सवाल है वो पूरी तरीके से हटते नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार यूपी में बनने के बाद में एट्रोसिटी केसेस में कन्विक्शन रेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा था, ये सच है। बहन कुमारी मायावती के टाइम पे पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा एट्रोसिटी कन्विक्शन रेट अभी तक कहीं रहा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार में रहा हुआ है, ये उतना ही बड़ा सच है। और ये उतना भी बड़ा सच है कि सरकार आने के बावजूद भी हम हमारे लोगों को सामंतों से नहीं बचा पाए, ये भी उतना बड़ा सच है कि कास्ट एट्रोसिटी रुकी नहीं। आपका व्यक्ति सरकार में रहने के बावजूद भी, सीएम रहने के बावजूद भी, ठाकुरों ने सामंतों ने वहां पे आपके लोगों पर अत्याचार करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसमें न्याय मिला ये हम कह सकते हैं जब बीएसपी की सरकार थी। तो इसका आंसर कहीं हद तक बाबा साहब देते हैं। बाबा साहब ये कहते हैं कि ज्यादातर एट्रोसिटीज, और अभी यदि आप जो एट्रोसिटी का डेटा स्टडी करते हैं, सर आप स्टडी कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी जो भयानक एट्रोसिटी शेड्यूल का समाज पर है, यदि आप उसका नंबर देखते हो तो वो वहां पर ज्यादा है जहां पर शेड्यूल का की संख्या कम होती है। खैरलाल जी, जो हम सभी को पता है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के केवल दो घर थे। जहां पर आपके घर कम होते हैं, आपकी संख्या कम होती है, वहां पर आपके ऊपर सबसे भयानक एट्रोसिटी की जाती है, क्योंकि जो मारने वाले लोग हैं इस बात को जानते हैं कि ये झूठ वाले लोग हैं। अगर आप जो जाट राजस्थान के अंदर शेड्यूल कास्ट के ऊपर अत्याचार करता है वो हमेशा झूठ में हमला करता है, वो अकेला कभी हमला नहीं करता है। तो उनको ये पता है कि यहां पर शेड्यूल कास्ट की संख्या कम है, मैं यहां पर जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो बाबा साहब ये कहते हैं इस चीज से अगर आपको हमेशा बचना है और जैसे को तैसा अगर जवाब देना है तो आपको सेपरेट सेटलमेंट करना होगा, कि शेड्यूल कास्ट लोगों को उन जगह से उठाया जाए और एक नए गांव बसाया जाए, साथ ही साथ उनको जमीन दी जाए, उनको बेसिक उनका जो पेट पानी का सवाल है उसको पूरा किया जाए और उनको सेपरेट सेटलमेंट सेपरेट बस्तियां बना दिया जाए। क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट जिस जगह पे मेजोरिटी में रहता है वहां पे अपर कास्ट आपके ऊपर हमला करने के लिए डरता है, यहां तक कि वो मार खा के भी चला जाता है, ऐसा भी बहुत बार हमको नजर में आता है। महाराष्ट्र में से बहुत सारे इंसिडेंट है। अभी हम जिस बस्तियों में रहते हैं, नागपुर की हम यदि बात करें या मुंबई की बात करें, किसी मराठा जो ट्रेडिशनली दलितों पर अत्याचार करते हैं महाराष्ट्र में, उसके सपने में भी ये नहीं आ सकता है कि वो इंदौरा या धम्मदीप नगर में आके किसी शेड्यूल कास्ट को हाथ भी लगा के दिखाए, उसके सपने में भी वो नहीं सोच सकता है, क्योंकि उसको पता है कि यहां पर मेजोरिटी हमारी है। और इसलिए बाबा साहब सेपरेट सेटलमेंट की उस समय में बात करते हैं कि सेपरेट सेटलमेंट होगा तो आप अपना फोर्स खुद बनाएंगे, अपनी ताकत खुद निर्माण करेंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर वो अत्याचार करें। तो इसीलिए जो भंवर जी आपने जो सोल्यूशन की बात की लैंड के बारे में, सबसे पहला लैंड का प्रोटेस्ट इस देश के अंदर आजादी के बाद में सबसे बड़ा और पहला प्रोटेस्ट
इस देश के इतिहास में किसी ने किया था तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने किया था। राजा भाऊ खोबरागड़े और एन शिवराज जी की अध्यक्षता में पूरे दिल्ली में भारत भर के शेड्यूल कास्ट और आदिवासी लैंडलेस लेबरर का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आज के इतिहास में, जमीन के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने किया। लेकिन उसका इतिहास, इस देश के जो लैंड के ऊपर काम करने वाले लोग ज़्यादातर कम्युनिस्ट है, अपर कास्ट कम्युनिस्ट, वो इसका जिक्र बहुत कम करते हैं। वो उन बातों का जिक्र ज़्यादा करते हैं जिन बातों का जुड़ाव ज़्यादातर अपर कास्ट लोगों से है। एनीवेज वो एक अलग डिबेट है। उसके बाद में जब लैंड देने की बात हुई महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के सीएम ने उस समय में जब लैंड देने की बात हुई शेड्यूल कास्ट को, तो महाराष्ट्र के सीएम चव्हाण जी उस वक्त में थे, यशवंतराव चव्हाण, उन्होंने जमीनी कागज पे दे दी, कागज पे जमीन दे दी, लेकिन जमीनी तौर पे जमीन नहीं दी, वो जमीन कागज पे रही। क्योंकि अगर वो दे देते तो उनका मराठा वोट बैंक उनसे दूर चला जाता, और ये हमें, ये हर बार हुआ है। तो शेड्यूल, हमारा जो आइस्का का जो डिसीजन है, जो हमने हमारे वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, दैट वी बिलीव कि जो बाबा साहब का सेपरेट इलेक्ट्रेट का जो फॉर्मूला था, सॉरी सेपरेट सेटलमेंट का, तो हम कोई अलग देश नहीं मांग रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं आप उन जगहों को सुनिश्चित, आप उस जगह को चिन्हित करें जहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज होती है। हमारा ये मानना है कि वहाँ पर शेड्यूल कास्ट की सबसे कम संख्या है, तो ऐसी जगहों पे शेड्यूल कास्ट को वहाँ से निकाला जाए, और ऐसी एक जगह पे शेड्यूल कास्ट के मेजोरिटी बस्तियाँ बनाया जाए, साथ ही साथ उनको जमीन दी जाए, और वो जमीन पे वो खेती करे, गायरान लैंड नहीं, फर्टाइल लैंड दी जाए जहाँ पर वो खेती करे। अगर आप जमीन नहीं दे सकते हो तो एक घर के व्यक्ति को आप सरकारी नौकरी दीजिए, ये हमारी पोजीशन है। और दलितों की अलग बस्तियाँ बनाई जाए, वैसे भी अलग ही है, वैसे भी आप उनका छुआ खाते नहीं है, और परचय पढ़ी तो भी आप रास्ता बदल देते हैं, तो समाज तो पहले से ही डिवाइड है। तो बाबा साहब कहते हैं कि फार अवे, ही राइट्स द वर्ड कि फार अवे, कहीं दूर, अपर कास्ट से कहीं दूर बैठ के, जैसे शैतानी शक्ति से कहीं दूर हम जाते हैं, हम जब कहते हैं ना कि यहाँ पे शैतानी शक्ति है, इससे कहीं दूर चले जाए, उसी तरीके से जो अपर कास्ट की शैतानी शक्ति है, इससे कहीं दूर जाके हम अपना आशिया बसाए, इस तरह का बाबा साहब उस समय में इमेजिन करते हैं। हाँ, तो इस सेशन को कंक्लूड करते हुए बस एक बात कहूंगा कि हम आइस्का को ये लगता है, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट का ये पोजीशन है कि पूरे भारत के अंदर, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि शेड्यूल कास्ट समाज जो गांव में रह रहा है, जिसके पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस लेबरर है, उसको जमीन जो है, इसे सर ने भी कहा, वो सरकार के मांगने से भी नहीं मिलेगी या कोर्ट के बोलने से भी नहीं मिलेगी। तो अगर कोर्ट ने बोला या सरकार ने बोला कि जमीन आप ले सकते हो, तो वो जमीन पे कब्जा करना सबसे बड़ी लड़ाई है, वो आपको जमीन पे खेती नहीं करने देंगे। आपके महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा का बीड रीजन है, जहाँ पे एकनाथ अवार्ड जी के साथ जब मैं अपने एमए डेज में इंटर्नशिप कर रहा था, तो जब मैं केसेस पढ़ता था, तो आई वॉज सरप्राइज, जमीन दी गई है, सरकार ने बोला है, न्यायपालिका ने बोला है, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपना खेत खलिहान में जाके वो खेती नहीं कर सकता है। यह महाराष्ट्र की बात है, आप राजस्थान तो आपसे कहीं दूर रहा, यह आपके प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र की बात है, जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहता है, जो अपने आप को मॉडर्न कहता है, यह वहां की बात है। वहां का मराठा, एक मराठा का लड़का जो कभी स्कूल में ढंग से गया नहीं और किसी टीचर की बात सुना नहीं, मैं वहां पर सरप्राइज हुआ, मैं जब फील्ड वर्क में था, एक शेड्यूल का मातंग फैमिली के घर में मैं रुका हुआ था, तो मैं शाम को जब खाने के बाद टहलने लगा, तो उन्होंने मुझे कहा, दादा वहाँ उस साइड पे जाके मत बैठो। मैं बोला क्यों, तो उन्होंने बोला वहाँ पे वो चौक है, वहाँ पे अपने लड़के नहीं बैठते। हम जी जहाँ पे हम पले बड़े बस्तियों में, हमारे ऐसा हमको कभी किसी ने बोला नहीं कि हम ब्याह बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा एरिया था। तो वहाँ पे जब खाली मराठों के लड़के ही बैठ, वो भी लड़के, अगर किसी मातंग या बुद्धिस्ट समाज के व्यक्ति अगर बैठा, वो बैठ ही नहीं सकता है। द वेरी आइडिया ऑफ पब्लिक स्पेस, क्या आप किसी पब्लिक स्पेस में लगे खड़े होके बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, वो शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। तो शेड्यूल कास्ट के बच्चे,
बच्चे जो है गांव के बाहर एक रोड के पास में कहीं बैठ के शाम को जो है बातें अपना करते थे, वो वहाँ पे नहीं बैठते थे या आपके, तो मेरा हमारा ये मानना है कि वहाँ पे भी मैंने देखा कि शेड्यूल कास्ट के जो मातंग और बुद्धिस्ट समाज के घर मिलाया जाए तो मराठों की संख्या में कम थी, तो वहाँ पर उनका डोमिनेंस था। लेकिन आप अगर विदर्भ में बहुत सारे गाँव में घूमते हैं जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का अच्छा प्रमाण है, जैसे भंडारा में खैरलाल जी हुआ, उसी भंडारा में जहाँ पर शेड्यूल कास्ट की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जो अपर कास्ट कुनबी और बाकी मराठा जो विदर्भा में एट्रोसिटी करता है ज़्यादातर, वो वहाँ पर आपको कुछ नहीं कहता है, वहाँ चुप रहता है। तो इसीलिए ये हमारी डिमांड है कि शेड्यूल कास्ट जहाँ पर संख्याओं में कम है वहाँ पर उनके ऊपर एट्रोसिटी ज़्यादा है तो उनका सेपरेट सेटलमेंट, उनको सेपरेट बस्तियाँ दी जाए। और बस्तियों का मतलब ही नहीं बस कहीं बैठा दिया, कहीं नाले के पास बैठा दिया या कहीं ऐसी बुरी जगह बैठा दिया। हमारे समाज के जो नेता हैं, हम बार बार कह रहे जो पार्लियामेंट में विधानसभा में, उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि शेड्यूल कास्ट समाज की समस्या और सलूशन इस तरह के हो सकते हैं। तो इसी बात को बोलते हुए हम आप ये सेशन को कंक्लूड करते हैं। मैं भंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मसलों पर बात की और सलूशन की बात की। साथ ही साथ गुरिंदर भाई का जो बहुजन वाला कॉन्सेप्ट है, उस बहुजन वाले कॉन्सेप्ट को हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट है। लेकिन बहुजन बनने का, जैसे हम कहते हैं कि वो केवल शेड्यूल कास्ट का जिम्मेदारी नहीं है, वो सभी समाज का जिम्मेदारी है। बहुजन समाज तभी बनेगा जब बाकी समाज भी अपने आप को बहुजन समाज बनाना चाहता है। तो इसी के साथ इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।